भैया ट्विटर के माध्यम से विशाल जी ने प्रश्न किया है, भैया आपके जीवन की इच्छा क्या है और आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? अब विशाल जी का सवाल ऐसा है, जीवन की इच्छा क्या है, अब इस पे मैं क्या जवाब दूं? मुझे लगता है मेरा ये पुनर्जन्म, मुझे टारगेट किया गया था बम ब्लास्ट से मारने के लिए, रिहर्सल भी किया गया था और मैं बच पाया तो भगवान का दिया हुआ मेरा जीवन सबके कल्याण के लिए और बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक और मेरे जीवन की अंतिम सांस तक और खून के अंतिम बूंद तक मैं जीवन के हर पल हर क्षण जितना भी मेरे पास समय है मैं लोगों के काम आ सकूं, यही मेरे जीवन का ध्येय है। और मुझे जो भी कुछ सफलता या जो भी कुछ मिला है मुझे लगता है शायद ये दूसरा जन्म इसीलिए मिला है। बाकी मेरे मन की जीवन की इच्छा जो कुछ भी हुई या पूरी हुई, मैं मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर है, मैं तो भगवान से ये कहता था, हे भगवान आज मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक पे हम चेक नहीं जमा कर पाएंगे, आज चेक ना आए नहीं तो बाउंस हो जाएगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं जाता था तो देखता था बैंक में चेक नहीं है, फिर नेक्स्ट डे हम पैसे का अरेंजमेंट करते थे, चेक जमा कराने के लिए पैसा जमा करते थे, चेक पास हो जाता। कभी कभी लगता था आज तो चेक आ ही जाएगी, आज पैसा कम है, मैनेजर का मूड अच्छा हो 50,000 की ओडी दे दे और वो दे दिया करते थे। तो मैं, मेरी अब इच्छा यही है कि मैं समाज के प्रति समर्पित होकर के समाज के लोगों के लिए काम कर सकूं और मुझे संतोष है कि मैं जितना कुछ कर सकता हूं उसको लोग सराहते बहुत, उसको लोग उस पर मोहर लगाते हैं। पहला चुनाव लड़ा वोट मिले 35,000, दूसरा चुनाव लड़ा वोट मिले 43,000, तीसरा पत्नी को लड़ा वोट मिले 1,08,000, तो लगातार ये बढ़ोतरी इस बात को दर्शाती है कि लोगों की मोहर लगी है। और मैं अपने कार्य में या मेरे मन में जो है लोगों के प्रति जो मेरी भावना है उसमें मैं सफल हूँ।